अपने दर्शकों को बता दें, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा है, सत्यमेव जयते, दिल्ली वालों की दुआएं हुई कामयाब। आम आदमी पार्टी कह रही है झूठ और षड्यंत्रों का जाल टूट गया। आप देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आ गई है। 1.5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे शिक्षा क्रांति के जनक, यानी कि आम आदमी पार्टी अब मनीष सिसोदिया को शिक्षा क्रांति के जनक कह रही है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो ट्वीट करके जिसने लिखा है, ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, सत्यमेव जयते, दिल्ली वालों की दुआएं हुई कामयाब, तमाम झूठ और षड्यंत्रों का जाल तोड़कर 1.5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे शिक्षा क्रांति के जनक। मनीष सिसोदिया को और हमारे दो सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अखिलेश जी के पास मैं जाती हूँ, गायत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आप इस मामले में ये क्या उम्मीद करें, क्या आज ही बाहर आ सकते हैं? क्योंकि आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली, अगली सुबह बॉन्ड भरने गए, उससे पहले मामला हाईकोर्ट में चला गया। ये आज क्या इस तरह की कोई आशंका होती है, आज पहले से तैयारी होगी कि रात तक मनीष सिसोदिया को बाहर लाना है? बने हुए उनसे हम ये सवाल करेंगे कि अब ये जो प्रोसीजर है आगे का वो कैसे रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी अखिलेश जी बार बार इसको एक तरह से जैसे मैंने पहले कहा कि वो जीत की तरह देख रही है इसको, ये सिर्फ बेल मिली है, केस से बरी नहीं हुए हैं। देखिए अपने एक सियासत वाली पार्टी जो होती है ना, वो किसी फैसले को देखती है अपने अपने नजरिए से, है वो अपने हिस्से का सच देखती है। पूरे अगर फैसले को देखे तो पहली लाइन उसमें है कि हम मेरिट पे नहीं जा रहे हैं। किस आधार पर दी गई? उन्होंने मानवता के आधार पर दी है कि इतने दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता। 7 साल की मैक्सिमम सजा में लीनियंसी बरती जाती है, 3 साल जो मिनिमम सजा है उसमें से 7 साल मैक्सिमम, 3 साल मिनिमम है, 3 साल में से 1.5 साल ये काट चुके हैं, और इनकी पत्नी की तबीयत खराब है उस पर इनको हर महीने जाने की इजाजत मिलती है। और दूसरी बात, इनका कंडक्ट पिछला ऐसा नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दूसरा ये है कि ट्रायल में इतनी देरी होगी, 495 विटनेसेस हैं, जितने भी एविडेंसेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंसेज हैं, वो ईडी और सीबीआई के कब्जे में है। ऐसे में पर जो आरोप लगे हैं वो गलत नहीं है, ऐसा कोई कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं कहा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल चलाइए, अगर आरोप गलत होते तो ट्रायल कोर्ट बरी करेगा। अभी तो ये ट्रायल के स्टेज में है, ये सिर्फ बेल का मामला था, और दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में बेल आया, पहली बार खारिज कर दिया था और कहा था कि पहली बेल को देखा जाए, तो पहली बेल में कहा था कि अगर 6 महीने के अंदर ट्रायल नहीं शुरू होता है तो फिर आप आ सकते हैं, और यही किया इन्होंने, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। निचली अदालत में कहा गया जब ये गए कि ट्रायल में देरी करने का आधार सिसोदिया की जिम्मेदारी है, हाईकोर्ट ने माना इसी बात को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर ट्रायल इतने देर में शुरू होता है तो इसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है और हम किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। इसी आधार पर उन्होंने बिना किसी मेरिट में गए उन्होंने इसमें जमानत दी है, वरना आप सोचिए कि पीएमएलए सेक्शन 45 में इतना आसान नहीं होता बेल मिलना। लेकिन सिसोदिया की जो हियरिंग चली, 2 दिन करीब हियरिंग चली यहाँ पे बेल पे, और यहीं पर कहा गया कि उनकी पत्नी बीमार है, वो इतने दिनों से जेल में है, सारे एविडेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सारी चीजें कहते हुए उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकते और इनको ज्यादा दिन तक जेल में नहीं। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है शराब घोटाला केस में। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, 10 लाख का बेल बॉन्ड, 2 श्योरिटी जमा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को पासपोर्ट सरेंडर करने को भी कहा है, गवाहों को ना प्रभावित करने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा और उन्हें 17 महीने बाद जेल से बाहर की तस्वीर देखने को मिलेगी। 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। तो देखिए मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है एक लंबे अरसे के बाद, 17 महीने बाद। मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा है? ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठा है। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर 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 इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है, और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था
सत्य की जीत हुई है। और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी? जो शायद। और हमारे साथ हमारी सहयोगी गायत्री जुड़ रही है सीधे उनके साथ। अखिलेश भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है। गायत्री, अब 17 महीने बाद आखिरकार संजय सिंह मनीष सिसोदिया बाहर निकल रहे हैं, माफ कीजिएगा, तो अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कितने बजे निकलेंगे, क्योंकि आज शुक्रवार है, तो क्या आज ही हो पाएगा ये जो पूरा प्रोसीजर अगर फॉलो करे तो? बिल्कुल। और गायत्री आपके पास वापस आएंगे, सुजाता भी हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। सुजाता, एक लंबे अरसे बाद मनीष सिसोदिया बाहर आने वाले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ट्रायल में देरी को मुख्य आधार बताया गया। देखिए, और कहा जाता है कि बेल कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि ये एक नियम है, और वो नियम जो है वो 17 महीनों तक फॉलो नहीं किया गया, यानी कड़े पर। चलिए, सुजाता से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों से आवाज सुजाता की हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने सिसोदिया को पिछले साल गिरफ्तार किया था 26 फरवरी 2023 को, और अब 17 महीने बाद रिहा होने वाले हैं, बेल उन्हें मिल गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी दी थी, लेकिन सिसोदिया पर बहुत तरह के आरोप भी लगे थे और कई बार उन्होंने चुनौती भी दी, और आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट से राहत उनको मिल पाई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, जानकारियां भी दे रहे हैं। शराब घोटाला जिस मामले में पूरी जो दिल्ली सरकार थी उसके तमाम जो बड़े चेहरे थे वो जद में आ गए। हमने ये देखा कि कैसे नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल भी अभी अंदर ही हैं। हमारे साथ सुजाता फिर से जुड़ गई हैं। सुजाता, ये समझना चाह रहे हैं कि जो पूरा प्रोसीजर है उसमें कितना वक्त लग सकता है, क्या आज ही रिहा होंगे, क्योंकि कल शनिवार है, फिर रविवार है, तो थोड़ा जल्दबाजी में ये सारी चीजें की जा रही होंगी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपको मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और वीकेंड शुरू होने वाला है, तो जाहिर तौर पर जो मनीष सिसोदिया का जो पक्ष है, वकील है, उन्होंने अपनी तैयारी लगभग पहले से पूरी कर ली होगी, क्योंकि जो वकील होते हैं उन्हें कुछ कुछ अंदाजा होता है कि अदालत का फैसला किस तरफ जा सकता है। तो ये गलती जो पहले आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी और डिले हो गया था मामला, क्योंकि वो अपील चली गई थी हाईकोर्ट में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, तो आगे ज़्यादा अपील होने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। तो इस मामले में कोशिश पूरी होगी कि आज शाम तक या लेट नाइट तक, आपको याद होगा कि पहले भी जब जमानत मिली थी जिस अरविंद केजरीवाल को, तो वो भी देर शाम तक घर लौट गए थे, लेकिन उसी दिन वो घर लौट गए थे। मनीष सिसोदिया पहले ही 17 महीने जेल में रह चुके हैं, तो उनके पक्ष की कोशिश होगी कि कागजी कार्रवाई तुरंत कर ली जाए, बॉन्ड उन्हें भरना है, शर्तों के बात अगर हम करें तो हर हफ्ते उन्हें थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। इस दौरान एक और बात आपको बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा कि बहुत ज्यादा समय जो है वो जेल में उन्होंने बिता लिया है। एक और बात, जब ईडी और सीबीआई लौटेंगे, गायत्री हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, अखिलेश राय भी उनके साथ वहां पर मौजूद है। गायत्री, जिस तरीके से 17 महीने बाद अब मनीष सिसोदिया बाहर आने वाले हैं, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको कैसे देखते? गायत्री, बिल्कुल, देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश राय जो अंदर कोर्ट रूम में ही मौजूद थे जब ये पूरी हियरिंग चल रही थी। अखिलेश जी, ये कितनी बड़ी राहत, और कोर्ट ने कई बातों का जिक्र भी किया इस पूरे मामले में। देखिए, बड़ी राहत है, जिस बात का इंतजार 18 महीने से वो जेल में है। सबसे बड़ी बात, उसने कहा कि हम मेरिट पे नहीं जाते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि 17-18 महीने से जो व्यक्ति जेल में है उसको स्पीडी ट्रायल का अधिकार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। जो बार बार ईडी और सीबीआई दलील दे रही थी कि इतने एविडेंसेज हैं, 495 विटनेसेस हैं जिनका एग्जामिन करना है, इससे कई सालों लगेगा। और जेल, उसमें कहा गया है बार बार सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कि जेल जो है एक्सेप्शन है, बेल जो है वो रूल है, और इसको देखते हुए हम इनको बहुत समय तक जेल में नहीं रख सकते। इनका जो है, इसके पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। इन्होंने कई बार जो आरोप लगाया गया था कि पिछली सुनवाई में, पिछले फैसले में कहा गया था कि 6 महीने में अगर जेल इनको, इनका ट्रायल शुरू नहीं होता है तो इनको बेल देने का अधिकार मिलता है, इसको लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट को देखना चाहिए था।
जितनी भी अर्जियां लगी हैं वो अपने पत्नी से मिलने के लिए अर्जी लगाए होंगे, तो उन सभी में इनको राहत मिली है, वो डिस्पोज ऑफ हुई है। ऐसे में इनका कोई दोष नहीं है, ट्रायल स्पीडी होना चाहिए और इसलिए इनका फंडामेंटल राइट बनता है कि इनको जमानत दे दी जाए। सुनवाई के दौरान भी बार बार कहा गया, कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि मैक्सिमम सजा कितनी है, तो कहा गया कि 7 साल या 3 साल, मिनिमम 3 साल, 1.5 साल ऑलरेडी इन्होंने जेल में काट लिया है, तो इस आधार पर उन्होंने दिया है। 10 लाख के बेल बॉन्ड पे पासपोर्ट जमा करना है, हर सोमवार को एजेंसी के दफ्तर में जाकर अपनी हाजिरी लगानी है, यहाँ तक कि बाद में ईडी ने कहा कि इनको रोक दिया जाए कि ये सीएम ऑफिस न जाएं, कम से कम विधायक तो हैं लेकिन सीएम ऑफिस न जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि बड़ी राहत मिली है, जो भी जो चाह रही थी ईडी की मेरिट के आधार पर किया जाए, कोर्ट ने सीधे मानवता के आधार पर इनको जमानत दी है और कहा है कि हम टोटली मेरिट पे नहीं जाते, पीएमएलए 45 पे नहीं जाते, हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से ट्रायल होना चाहिए था, अगर इस तरह से ट्रायल के आधार पर आप कह रहे हैं कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, चार्जशीट फाइल हो गई है, 8 चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसमें कितने अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, इसमें इतने में कितने दिन तक हम सिसोदिया को जेल में रख पाएंगे, और जेल में रखना चाहिए, उनका फंडामेंटल राइट भी प्रभावित हो रहा है, ये भी कोर्ट को देखना चाहिए। ये सारे आधार पर कोर्ट ने उनको जमानत दी है, शर्तें भी लगाई हैं और जमानत भी दी है, तो एक बड़ी राहत है सिसोदिया के लिए। जैसा कि आप कह रहे हैं, देखिए शर्तें लगाई हैं लेकिन बड़ी राहत है और बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी कई समस्याओं से घिरी हुई है। हमारे साथ गणेश भी जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर से ही। गणेश, जो हम देख रहे हैं दिल्ली में आए दिन कुछ घटनाएं होती और सवाल दिल्ली सरकार पर होता है, ऐसे में एक बड़ा चेहरा जो पार्टी का बड़ा चेहरा है वो अब जेल से बाहर निकल रहा है। देखिए जिस तरीके से जो खबर आई है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर है, एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए शक्ति प्रदान करने वाली खबर है। मैं पहले तस्वीर दिखाऊंगा, ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और फिलहाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर की जो पहली तस्वीर है, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है केंद्र और इनके जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पहुँच चुके हैं। एक तरीके से जब इनसे बात करने की कोशिश की गई तो आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता भी अंदर जो पहुँचे हुए, साफ तौर से ये कहना था कि आप एक तरीके से जो हम लगातार कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि कोई भी किस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे थे घोटाले को लेकर अभी तक साबित नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया को उच्च न्यायालय की ओर से यहां पर जमानत मिली है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी के लेकर एक तरीके से बहुत बड़ी शक्ति मिली, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है और तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर किस तरीके से तैयारी होगी। मनीष सिसोदिया यहां पर एक तरीके से आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद बड़े चेहरे हैं और शिक्षा क्रांति को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो शिक्षा की क्रांति हुई है उसमें मनीष सिसोदिया का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल गणेश, जिस तरीके बिल्कुल बड़ी राहत ये मानी जा रही है मनीष सिसोदिया के लिए। आप भी बस वापस लौटेंगे, अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी बीच प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। दुष्यंत गौतम जो बीजेपी के नेता, वो क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। मान्यता तो मिले, भरी तो नहीं हुए, भरी होने के लिए तो उनको लड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे बेगुनाह है वो। दुनिया देश को और दिल्ली को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है, आज भी वो गुनाहगार हैं, आज भी उन पर आरोप लगे हुए हैं, खाली अल्पकालिक जमानत ही मिली है, उसमें इतना उत्साहवर्धन होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर गुनाह है, उसकी सज़ा मिलेगी। वो बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री पकड़ाने का काम किया गया है।